नमस्कार दोस्तों, जेके न्यूज नेटवर्क में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने इस सप्ताह के राशिफल के साथ। कौन सी राशियों के सितारे होंगे बुलंद और कौन सी राशियों को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दे रही हूँ। साथ ही आपको अपनी परेशानियों से बचने के लिए क्या उपाय करने हैं, इसकी भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने का प्रयास कर रही हूँ। अगर आपने कोई नई योजनाएं बनाई हैं, कुछ नई योजनाओं पर आपको काम करना है, कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है, एग्जाम्स देने हैं, कोई शुभ मांगलिक कार्य करना है, तो इन सब के लिए यह सप्ताह सभी राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, इन्हीं सब जानकारियों के साथ अपना ये वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ। शुरुआत करती हूँ मेष राशि से। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, इसे अपनी नाम की राशि और चंद्र राशि के आधार पर ही देखने का प्रयास करें। शुरुआत करूंगी मेष राशि। मेष राशि के जातक इस सप्ताह सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। बहुत ही धैर्य और विवेक के साथ अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में कामयाब रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में किसी बहुत ही नजदीकी मित्र की वजह से आपके अटके हुए काम पूरे होंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से संबंधित आपकी सारी परेशानियां कम होंगी। बिजनेस में नया ग्रोथ मिलेगा, नई डील मिलेगी। आपके दोस्तों की मदद से, आपके बिजनेस पार्टनर की मदद से आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने के नए रास्ते मिलेंगे। अगर किसी बड़ी योजना के लिए आप किसी फंड का इंतजार कर रहे थे, इंतजाम करने में जुटे थे, तो इस सप्ताह के अंत तक आपकी यह समस्या दूर हो सकती है। यह सप्ताह व्यापारियों की अपेक्षा फुटकर व्यापार कारोबारियों के लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही जो जातक नौकरी करते हैं, उनके सीनियर्स का उनको सपोर्ट मिलेगा, आपके कुलीग्स का, आपके सहकर्मियों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके वर्क प्लेस का माहौल सकारात्मक बना रहेगा, बेहतर परिणाम होगा आपका, आप अच्छे तरह से काम कर सकेंगे, जिसके रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतर दिखाई देंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, पढ़ाई में बहुत ही मन लगेगा, बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ आप पढ़ाई करेंगे, जिसका फायदा आपको फ्यूचर में आपके एग्जाम्स में मिलेगा। जो जातक लव रिलेशनशिप में है, उनके लव रिलेशनशिप में मजबूती आएगी, लव मेट के साथ उनके रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, ये समय बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है, घूमने फिरने का मौका मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहने वाला है, जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और बहुत ही अच्छा समय, अच्छा माहौल रहेगा आपके परिवार का, सकारात्मक माहौल रहेगा आपके परिवार का। देखा जाए तो यह सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो थोड़ी बहुत मौसमी बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए शुभ अंक है 1, शुभ दिन होगा बुधवार, शुभ रंग है लाल और उपाय करने हैं आपको, माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें। अगली राशि है वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। धन के मामलों में यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति में तरक्की होगी, आय के साधन बनेंगे, जिससे कि आपका मन प्रसन्न रहेगा, काम करने में मन लगेगा, चिंताएं खत्म होंगी। सोमवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं आपका पैसा रुका हुआ था, अटका हुआ था, तो वो आपको वापस मिल सकता है। सोमवार के दिन आपके लिए धन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। किसी भी तरह के विवाद में इस सप्ताह ना फंसे तो बेहतर है। हो सकता है कि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति से आपको गुजरना पड़े, बहुत ही धैर्य से काम ले, अन्यथा भविष्य में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने कीमती सामानों को भी बहुत सहेज कर बहुत ही सतर्कता के साथ रखें। बुधवार का दिन किसी कीमती सामान के गुम होने का योग बना रहा है, अतः बहुत ही संभल कर रहे हैं। इस सप्ताह पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, जिससे कि आपका मन प्रसन्न रहेगा, दोस्तों के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा, जिससे कि आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपकी आय में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मन लगेगा, जिससे कि उनके अपकमिंग एग्जाम्स में उनके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, भविष्य में उनको फायदा मिलेगा। अगर बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो थोड़ी बहुत दांतों के दर्द की शिकायत हो सकती है, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखें, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे कि आप दोनों को मानसिक तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है, चिंता हो सकती है। धैर्य एवं सामंजस्य बनाए रखें।
जो जातक लव रिलेशनशिप में है उनके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। लव मेट के साथ आपका समय अच्छा गुजरेगा। देखा जाए तो यह सप्ताह वृष राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक है 7, शुभ दिन है शुक्रवार, शुभ रंग है गुलाबी और उपाय करना है आपको भगवान वासुदेव की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके पिछले दिनों जो काम रुके हुए थे, अटके पड़े थे, इस सप्ताह अचानक वे सारे काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके वर्क प्लेस पर आपके सीनियर्स की आपको मदद मिलेगी, जिससे कि समस्याओं से निजात पाने में आपको सहायता मिलेगी। सप्ताह की शुरुआत में जो जातक बिजनेस करते हैं उनके लिए छोटी मोटी यात्राओं का योग बन रहा है। जो यात्राएं आपके लिए बहुत ही सुखद और लाभप्रद होंगी, इस दौरान आपके शुभचिंतक या आपके मित्र या फिर आपके बिजनेस पार्टनर या आपके क्लाइंट्स, उनका आपको बहुत ही सहयोग मिलेगा, जिससे कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत ही सफलतापूर्वक प्रयास कर सकेंगे और आगे बढ़ने में सक्षम रहेंगे। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो आपके शुभचिंतक, आपके मित्रगण आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका साथ देंगे, जिससे कि आपको चुनौतियों से लड़ने में सहायता मिलेगी। सप्ताह के अंत में जो जातक परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे थे उनके लिए कोई अच्छी खबर आ सकती है। परीक्षा प्रतियोगिता में उन्हें सकारात्मक रिजल्ट मिलने के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की तो कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की, परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा, परिवार में लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य बना रहेगा, दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी। जो जातक लव रिलेशनशिप में हैं उनके भी प्रेम संबंधों पे मजबूती आएगी, लव पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा समय व्यतीत होगा। देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह शुभ अंक है 4, शुभ दिन है सोमवार, शुभ रंग है सफेद और उपाय करना है आपको भगवान शिव की पूजा करें। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ी चुनौतियां लेकर आ रहा है, इसलिए आपको बहुत ही सोच समझकर सूझबूझ के साथ कार्यों को करना होगा। बिना किसी योजना के आप कोई भी कार्य ना करें, अन्यथा आपको परिणाम में निराशा हाथ लग सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको बहुत ही फोकस रहना होगा, बहुत ही ज्यादा सूझबूझ के साथ और बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करें, अन्यथा आपकी कोई छोटी सी गलती भी आप पर भारी पड़ सकती है। विशेषकर करियर और कारोबार से जुड़ा कोई फैसला अगर लेना हो तो अपने शुभचिंतकों या वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह लेकर ही ले, अन्यथा परेशानियों का सामना आपको भविष्य में करना पड़ सकता है। भावना में बहकर कोई भी निर्णय ना लें, अन्यथा आपको भविष्य में इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सप्ताह के अंत में किसी खास से मुलाकात होगी आपकी, बहुत पुराने दिनों के यादें आपकी ताज़ा हो जाएंगी, जिससे कि आपका मन प्रसन्न होगा। जो जातक लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। अपने लव पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे, जिससे कि आपका मानसिक तनाव भी कम होगा, आपका मन प्रसन्न होगा। अगर बात करेंगे आपके दाम्पत्य जीवन की तो छोटी मोटी नोक झोंक होने की संभावनाएं बन रही हैं, परंतु सामंजस्य एवं धैर्य बनाए रखें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जीवन साथी की सेहत थोड़ी बहुत खराब हो सकती है, उनकी सेहत का विशेष ख्याल रखें और अपनी सेहत का भी विशेष ख्याल रखें। जो जातक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय अच्छा है, उनके परीक्षा प्रतियोगिता के सकारात्मक रिजल्ट उनको मिल सकते हैं इस सप्ताह। साथ ही जो जातक नौकरी की तलाश में हैं उन्हें इस समय में थोड़ी सी और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, मनचाही नौकरी मिलने में उन्हें देर हो सकती है, मानसिक तनाव लेने से बचना होगा। देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ी परेशानियों वाला हो सकता है, धैर्य एवं सामंजस्य बनाए रखें। शुभ अंक होगा आपके लिए 1, शुभ दिन है सोमवार, शुभ रंग है सफेद और उपाय करने हैं आपको तांबे के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संघर्षपूर्ण स्थितियां लेकर आ रहा है। इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य की अनदेखी बिल्कुल नहीं करनी है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। कोई पुराना रोग उभर सकता है, जिससे कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी पेशा लोगों पर कार्यभार बढ़ सकता है,
जिससे कि आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने काम में बहुत ही ज़्यादा फोकस रहे और बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करें, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। सप्ताह की शुरुआत में करियर और कारोबार में परेशानियां आ सकती हैं। सप्ताह के अंत तक इन समस्याओं का समाधान आप खोजने में सक्षम रहेंगे, कामयाब रहेंगे। इस दौरान अचानक से लंबी दूरी की यात्राएं करने का भी आपको योग बन सकता है, जिसकी वजह से आपको सेहत से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। अपनी सेहत का यात्राओं के दौरान ख्याल रखें। जो जातक इस समय में पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका मन पढ़ाई से उचट सकता है, उनका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें तभी भविष्य में सफल होंगे, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो जातक लव रिलेशनशिप में है, उन्हें भी अपने लव मेट का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होगा, अन्यथा छोटी मोटी बातों से भी आपके संबंधों में विच्छेद उत्पन्न हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। इसलिए धैर्य एवं सामंजस्य बनाए रखें। जीवन साथी के साथ भी नोकझोंक होने की संभावनाएं हैं, धैर्य बनाए रखें। कोई भी काम सोच समझ कर करें, अन्यथा जल्दबाजी में बनी हुई बात बिगड़ सकती है। देखा जाए तो यह सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए संघर्षपूर्ण स्थितियां लेकर आ रहा है। धैर्य एवं सामंजस्य बनाए रखें, सूझबूझ के साथ अपने कार्यों को करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। शुभ अंक होगा 2, शुभ दिन है बृहस्पतिवार, शुभ रंग है पीला और उपाय करना है आपको विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी बहुत निराशा के साथ हो सकती है। जो सपने आपने बुन रखे हैं उन्हें पूरा होने में थोड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको ये समझना होगा कि एक योजना या एक ख्वाब के पूरे नहीं होने से जीवन खत्म नहीं होता है। असफलता को छोड़कर आगे बढ़े, सफलता आपका इंतजार कर रही है। साथ ही सप्ताह के अंत तक किसी मित्र या किसी रिश्तेदार की मदद से आपके परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा, आपके तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। इस दौरान आपके कार्यों में भी प्रगति आएगी, समाज में भी आपकी छवि मजबूत होती नजर आएगी। जो जातक कोर्ट कचहरी या बैंकिंग सेक्टर से काम, अगर बात करेंगे आपके पर्सनल लाइफ की, लव लाइफ की, तो संबंधों में मजबूती आएगी, लव मेट के साथ आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। साथ ही आपके मैरिड लाइफ में भी अच्छा समय गुजरेगा, जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे, परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा, संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपनी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी होगी, अन्यथा भविष्य में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानियाँ आपको हो सकती हैं। मानसिक तनाव की वजह से आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, इसलिए मानसिक तनाव लेने से बचें। देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणामों वाला हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, सप्ताह के अंत होते होते आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपके लिए शुभ अंक है 9, शुभ दिन है बुधवार, शुभ रंग है हरा और उपाय करना है आपको भगवान गणपति की पूजा करें। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणाम वाला हो सकता है। इस सप्ताह आपको अपने मनोबल में कमी नहीं आने देना है, कॉन्फिडेंट रहें, किसी के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए, अपने लक्ष्य पर फोकस करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके वर्क प्लेस पर आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स हो सकती है, जिससे कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने कार्यक्षेत्र में बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपने कार्यों को करें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो जातक बिजनेस करते हैं उनके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है, परंतु कहीं धन निवेश करने से पहले किसी की सलाह अवश्य ले लें, अन्यथा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। जो जातक बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सप्ताह के अंत में किसी विशेष कार्य को लेकर जरूरत से ज़्यादा आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जिससे कि आपको थकान की वजह से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। जो जातक स्टूडेंट्स हैं उनका मन पढ़ाई से उचट सकता है, माइंड डाइवर्ट हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें, अन्यथा भविष्य में आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। परीक्षा एवं प्रतियोगिता में, इंटरव्यू में जो जातक लगे हुए हैं उन्हें सफलता मिलेगी, परंतु उन्हें इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगर बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप की,
तो समय बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है, घूमने फिरने का मौका मिलेगा, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, मधुरता बनी रहेगी, जीवन साथी के साथ भी आपके संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा। देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। शुभ अंक होगा 7, शुभ दिन है शुक्रवार, शुभ रंग है सफेद और उपाय करना है आपको माता लक्ष्मी की उपासना करें। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। हंसी खुशी के साथ यह सप्ताह बीतने जा रहा है। पूरा सप्ताह आप काफी रिलैक्स्ड मूड में रहने वाले हैं। आपके मित्रों का, आपके शुभ चिंतकों का आपको साथ मिलेगा, जिससे कि आप बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके कार्यक्षेत्र में आपके सहकर्मियों का आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके सीनियर्स भी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे, आपके सपोर्ट सीनियर्स के सपोर्ट की वजह से आपके सारे कार्य बहुत ही सरलता के साथ संपन्न होंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए भी ये समय बहुत ही शुभ रहने वाला है, मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। अगर बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की तो सप्ताह के मध्य में परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने का मौका मिलेगा, कहीं छोटी मोटी यात्राओं पर आप जा सकते हैं, जिससे आपके परिवार के लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ेगा, परिवार का माहौल सकारात्मक होगा। अगर बात करेंगे आपके लव लाइफ की तो आपके लव मेट के साथ आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, बहुत ही बेहतर समय गुजरेगा। जीवन साथी के साथ भी आपका समय बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है, जीवन साथी का आपको पूरा साथ मिलेगा। जो जातक सिंगल हैं, अचानक उनकी किसी से मुलाकात हो सकती है, जो दोस्ती आगे जाके रिश्ते में बदल सकती है। देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपके लिए शुभ अंक है 2, शुभ दिन है मंगलवार, शुभ रंग है सुनहरा और उपाय करना है आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही शुभ और लाभप्रद रहने वाली है। इस समय में आपको आपके भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। किसी बात को लेकर अगर किसी के साथ आपके संबंध बिगड़ गए थे तो किसी मध्यस्थता की वजह से, किसी मीडिएटर की वजह से वो फिर से आपकी पटरी पे आ जाएंगे, उन संबंधों में मिठास आ जाएगी। अगर बात करेंगे आपके प्रेम संबंधों की तो अगर किसी प्रकार की गलतफहमी हो गई थी आपके पार्टनर के साथ तो लव पार्टनर के साथ इस समय वो गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, बहुत ही अच्छा समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। बात करेंगे आपके करियर की तो इस समय में आपके करियर में और आपके बिजनेस में दोनों में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी, तरक्की मिलेगी, नई योजनाओं पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। यह सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र के लिए और आपके बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, उसे आप स्वीकार करें और खुद को प्रूव करें कि आप किसी भी कार्य को बहुत ही सफलतापूर्वक करने में सक्षम हैं। साथ ही आपके पद और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने वाली है। लेकिन अगर बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की तो थोड़ी बहुत आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। साथ ही आर्थिक स्थिति में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, धन के लेन देन में सावधानियां रखें। लव मेट के साथ बहुत ही अच्छा समय गुजारने का मौका मिलेगा, जीवन साथी के साथ भी आपका समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी अपने अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारियों के लिए। देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपके लिए शुभ अंक है 5, शुभ दिन है सोमवार, शुभ रंग है सफेद और उपाय करना है आपको भगवान विष्णु की पूजा करें। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह शुरुआत में थोड़ी बहुत स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, अपनी स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। साथ ही आपके परिवार में किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है, धैर्य एवं सामंजस्य बनाए रखें, अपने क्रोध एवं वाणी पर नियंत्रण रखें। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय थोड़ा बहुत चुनौती लेकर आ रहा है। आपका मन आपकी पढ़ाई से उचट सकता है, डाइवर्ट हो सकता है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें। जो युवा वर्ग हैं उन्हें भी भटकाव का सामना करना पड़ सकता है, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ अपने कार्यों में लगे रहे, अन्यथा भविष्य में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान जो जातक नौकरी पेशा है उन्हें अपने वर्क प्लेस में कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। मुश्किल समय में आपके जीवन साथी हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। दूसरों के बहकावे में आने से बचें, अन्यथा परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। अपने विवेक से काम ले,
तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो जातक व्यापार करते हैं उनके लिए भी ये समय थोड़ी बहुत चुनौतियों वाला हो सकता है। नई योजनाओं में सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप की, तो लव लाइफ में भी थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती हैं। सोच समझ कर ही किसी भी बात को करें, अन्यथा गलत फहमियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे कि मन मुटाव हो सकता है। साथ ही जो जातक मैरिड हैं, जीवन साथी के साथ उनका समय अच्छा गुजरने वाला है। परिवार का माहौल थोड़ी बहुत नकारात्मकता के साथ सप्ताह के अंत में सकारात्मक होने की स्थिति में आ जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं। देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ी बहुत परेशानियां लेकर आ रहा है। आपके लिए शुभ अंक है 6। देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ी बहुत परेशानियां लेकर आ रहा है। आपके लिए शुभ अंक है 6। शुभ दिन है बुधवार, शुभ रंग है आसमानी और उपाय करना है आपको, भगवान हनुमान की पूजा करें। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी बहुत अड़चनें आ सकती हैं। धैर्य और सामंजस्य के साथ, संयम के साथ आप कार्य करें तो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। अपनी योग्यता और प्रतिभा का आकलन करने का प्रयास करें और अपने कार्यों में सफलता प्राप्ति का प्रयास करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। करियर एवं कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह मध्यम साबित हो रहा है, परंतु आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। सप्ताह के अंत होते होते कारोबारियों में आपकी धाक बनेगी, अपनी साख बनाए रखने में आप कामयाब रहेंगे। कार्यक्षेत्र में एक ही कार्य को करते करते मन उचट सकता है, किसी नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने का प्रयास करेंगे जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। अपने ऑफिसर से, अपने सीनियर से तालमेल बनाकर चले, अन्यथा आपको वर्क प्लेस में राजनीति का सामना करना पड़ सकता है, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की, तो परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा। आपके हर परेशानी में आपके जीवन साथी आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका मनोबल बढ़ाएंगे। बात करेंगे आपके लव लाइफ की, तो किसी मित्र की सहायता से आपके लव लाइफ की बिगड़ती हुई बात बन जाएगी, जिससे कि आपके संबंधों में मजबूती आएगी। देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। आपके लिए शुभ अंक है 2। शुभ दिन है सोमवार, शुभ रंग है ग्रे और उपाय करना है आपको, भगवान हनुमान की पूजा करें। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह परेशानियां लेकर आ रहा है। कुछ मामलों में उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। अपने गुस्से और वाणी पर इस सप्ताह आपको कंट्रोल रखना होगा, अन्यथा आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। आपके घरेलू कोई विवाद चल रहा था तो आपके गुस्से की वजह से वो विवाद बढ़ सकता है, इसलिए अपने गुस्से पर और वाणी पर कंट्रोल रखें। अन्यथा विवादों का निपटारा करते समय अगर आप अपने परिवारजनों पर क्रोधित होंगे तो आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। साथ ही अगर आपको अपने विवादों का निपटारा चाहिए तो किसी वरिष्ठ की मदद लेना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और इसके साथ ही अगर आप नौकरी करते हैं तो कार्यक्षेत्र में भी किसी भी प्रकार की लापरवाही से आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। बहुत ही सोच समझ कर, सूझबूझ के साथ कार्य को करें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना भविष्य में करना पड़ सकता है। जो जातक बिजनेस करते हैं उन्हें भी सावधान होकर कार्य करने की आवश्यकता है। विशेषकर अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, अन्यथा आपको परेशानी भुगतनी पड़ सकती है, नुकसान हो सकता है। किसी भी प्रकार का जोखिम ना उठाएं, रिस्क ना लें। अगर बात करेंगे आपके लव लाइफ की, तो कुछ गलत फहमियाँ हो सकती हैं, तो गलत फहमियों को ना पनपने दें। धैर्य एवं सामंजस्य बनाए रखें, बातचीत से अपनी परेशानियों को खत्म करने का प्रयास करें। सप्ताह के अंत होते होते लव मेट के साथ आपका समय अच्छा गुजरेगा, उनके साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। उन्हें भी अपनी जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा छोटी मोटी गलतफहमियों की वजह से नोक झोंक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सामंजस्य एवं धैर्य
बनाए रखें। स्टूडेंट्स के लिए भी यह सप्ताह थोड़ा चुनौती लेकर आ रहा है, संघर्ष का सामना आपको करना पड़ सकता है। बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें, अन्यथा भविष्य में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह परेशानियां उत्पन्न कर सकता है, बहुत ही संभल कर रहें, सतर्क रहें। शुभ अंक होगा 4, शुभ दिन है रविवार, शुभ रंग है सुनहरा और उपाय करना है आपको भगवान विष्णु की पूजा करें। दोस्तों यह था इस सप्ताह का राशिफल मेष से मीन राशि के जातकों के लिए। आशा करती हूँ यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ हो, बहुत ही सफलता लेकर आए। इसी शुभकामना के साथ अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।